देखो आज मेरे पास बिरयानी खा रहा दो ऐसे लोग हैं जिनको एक तो आई वुड से दैट शी डजंट नीड ऑल दिस एवरी 5 मिनट्स में शी हैज लाइक 5 मिलियन फैंस कम अप व्हाट रब द लेडी हु हैज रीस्टार्टेड व्हाट शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट इन दिस कंट्री इज आपकी वजह से बाकी सब आए जब भी आप कोई आइडिया के बारे में सोचो कोई भी शो हो कोई भी फिल्म हो कोई भी ड्रामा भी हो उसमें यूनिक कॉन्सेप्ट लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज कोई आइडिया बचा ही नहीं है Everything is sort of done. So before we come to that, how do you sit and produce so much content with Ritesh every day? First, I want to understand this. No, so I think it was initially Ritesh. Huh. And I would get irritated with him. I was like, what are you doing? What is this rubbish? Huh. And then he said, now get her involved because she's making too much of kit. Correct. So he got me involved and we started doing things together. Huh. We started enjoying doing things together. Correct. Then I started finding my own way of doing certain videos, certain reels, Correct. You know, which were about what I wanted to put out, you Correct. Know. And Correct. He started doing his own things. And Correct. Every once in a while, we would come together. And they were all working. So we realized they're really good at it. Yeah. Inka trial period chali jata hai isme. Sir, hum log ki, matlab meri biwi aur main dekhte hain. ये ऐसे छींक मारते 5 मिलियन व्यू आए थे आप इनके रील देख के कभी इंस्पायर होते हैं क्या हमें भी ऐसे कुछ करना चाहिए बिकॉज़ यू आर मोर अजम्पशन इज कि आप थोड़े ज्यादा रिजर्व्ड हैं से कंपेयर टू बट डिड यू सी आवर रील टुगेदर ऑफ कोर्स नहीं ये तो टुगेदर हो गया ना बिकॉज़ यू आर फोर्सिंग बट वैसे आई डिडंट फोर्स यार नहीं नहीं मतलब ये वर्ल्ड है जो बहुत ही ज्यादा एक बहुत बहुत अलग वर्ल्ड है मेरे लिए बट ऑल्सो आई रिस्पेक्ट दिस वर्ल्ड अ लॉट बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू बिकॉज इवेंचुअली इट्स वेरी डेमोक्रेटिक नो यू नो इट्स नॉट योर ओन लाइक्स और योर बाइंग लाइक्स इज द पीपल हु आर एक्चुअली लविंग इट सो इट्स वेरी वेरी टफ ये जो आपने बीच में लाइन बोली ना नॉट बाइंग लाइक्स ये तो खैर होता ही है नहीं मतलब इनको ये नहीं करते नहीं इनको फॉलो हम करते हैं मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ बाकी तो मुझे ज्यादा नहीं पता लेकिन इनका और मैंने इनके साथ जो रील किया वो जो इन्होंने बोला जैसा डायरेक्ट किया मैंने चुपचाप सर नीचा किया मैंने कहा ये क्वीन ऑफ रील्स है यहाँ पे कुछ बोलना नहीं मैंने आप बताइए क्या करना ये करना ऐसे करना ऐसे एक मिनट में हमने वो रील शूट किया ऑलमोस्ट ऐसे बट ऐसे डायरेक्टर बताएं इनका पेशेंस लेवल कैसा है अद्भुत क्योंकि इन्होंने कहा मैंने एक किया मैंने कहा एक और कहते नहीं आई गॉट इट एक्चुअली जब रील आई तो मेरे को लगा शी वॉज राइट बट मैं आपको अब एक बहुत बड़ी टिप देना चाहता हूँ ड्वेन रॉक जॉनसन बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार वो अगर 10 रुपए चार्ज करते एक फिल्म के लिए बहुत जीरो ऐड कर दो 5 रुपए चार्ज करते सोशल मीडिया प्रमोशन कहते हैं क्योंकि मेरे सोशल मीडिया की वजह से पिक्चर जा रही है मैं बस बताना चाहता हूँ ये कि ये अब मीडिया प्लान में आ चुका है और मुझे लगता है कि यू नो फॉर कॉन्सेप्ट फिल्म्स लाइक दिस आल्सो ये जैसे बड़ी इंटरेस्टिंग आती है दिस इज द वे टू गो आउट अब नाउ वी टॉकिंग अबाउट हाउ यू नो यू हैव ट्राइड एंड बाय एरर एंड ऑल दैट रीच दिस स्क्रिप्ट्स के साथ भी ऐसे करते हो ट्रायल एंड एरर मैं कैसे आई थिंक दैट्स ऑलवेज सी वन इज दैट You like it ASAP and you want to do that. Correct. But that may not necessarily be a box office success. So I always say for me, the journey is important. Because whether the film works or don't work, you don't know. Correct. You have to enjoy, you have to take responsibility ki ye maine choose kiya. Whether it's good, bad, ugly. That Correct. It has to be that zone for you, you know. So, aapke saath kaisa hota hai? Kyunki aap लोगों का नजरिया अलग रहता है मानव जी जो कर रहे बड़े बड़े सोच समझ के पिक्चर चूज की होगी आई होप यही नजरिया बना रहा है वैसे तो मैं बहुत इंस्टिंक्टिव हूँ मतलब ऐसा बहुत सोचता नहीं हूँ चीजों में लेकिन बिकॉज आई डू लॉट ऑफ थिंग्स आई डू आई एक्ट लाइक इन थिएटर ऑल्सो आई डायरेक्ट प्लेस आई गो फॉर ट्रैवल सो आई डोंट हैव दैट मच टाइम टू गिव कि एवरी टाइम आई जस्ट डू वन फिल्म आफ्टर अनदर सो उसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है बट ऐसा है कि ये स्क्रिप्ट किसी भी एक्टर के पास जाती वो अगर एक दिन से ज़्यादा लेता तो वो मूर्ख ही एक्टर होता क्योंकि वो बहुत रेयर आती हैं इतनी अच्छी स्क्रिप्ट सो इंस्टिंक्टिवली मतलब जैसी स्क्रिप्ट आई द डे आई रेड द स्क्रिप्ट आई सेड वी आर डूइंग दिस यू नो मराठी हमारी जो पूरी कम्युनिटी है वो तो आपको बहुत सारे फुल फ्लेज्ड रोल्स में देख चुकी है हिंदी फिल्म्स में यू इट्स अ गैप समय हो जाता है नो नो बट इवन अदरवाइज इवन इन हिंदी फिल्म्स इट्स अ गैप
कई बार होता है, डू यू गेट आउट ऑफ टच समटाइम्स आल्सो इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बिकॉज़ ऑल्दो यू आर देयर बैक इन फ्रंट, वो फर्स्ट डे पे नर्व्स होते हैं? आई एम ऑलवेज नर्वस, आई एम ऑलवेज नर्वस फ्रॉम वेदर आई हैव डन 10 फिल्म्स एट अ टाइम, माय फर्स्ट डे, माय सीन्स दैट आई वांट टू डू वेल, आई एम ऑलवेज अ बिट नर्वस एंड आई थिंक दैट्स माय एनर्जी दैट हेल्प्स मी somehow get together, get myself together. Yeah. I like that nervous energy that I have because I feel that when you act, like I feel there's an element of spontaneity that comes out which correct. You yourself don't know, correct, which correct. You yourself can't plan, and that comes about when you're not overtly confident. Being confident about your job that you're doing is one part, but being overtly confident kills that experience for someone. Or thodi butterflies hone chahiye na. Yeah. Otherwise, what? I mean, even when you're going on stage and all, you after such a being such a senior performer on stage also, but starting mein to hota hoga na, just before that 1 second pin drop silence. Of course, bilkul hota hai. Matlab also because I write and direct my own plays, to wo thoda sa mujhe zyada, though I don't act in theater that much. बट मुझे हमेशा एक रहता है कि हाउ दिस आइडिया इज पीपल गोना टेक इट बिकॉज इट्स लाइक वेरी एक्सपेरिमेंटल स्टफ आई डू. ये इससे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल बहुत समय से नहीं देखा मैंने. रियल लाइफ में भी अगर हम एक्चुअली देखें तो ट्रायल पीरियड किसी भी चीज़ का 7 days होता है. मनी बैक पॉलिसी. मनी बैक पॉलिसी. व्हेन द नरेशन वॉज डन टू यू, वॉज इट डन लाइक दैट ऑल्सो, वर यू नॉट शॉक कि यार ये ऐसा सोचा कैसे इस बंदे ने? I was very very happy because you know this is the basic idea. मतलब इतना कि 30 days के लिए फादर ऑन रेंट, बट ये ऊपर का आइडिया है. हाँ. फिल्म इस भरी हुई फिल्म है, लाइक इट्स अ ह्यूमर, अमेजिंग एक्टर्स, सब ऑनसेंबल बहुत गजब है, और पीपल जो भी इससे एसोसिएट हैं वो इतने कमाल हैं. सो एंड ऑल्सो जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो जितने भी मैंने सजेशन दिए, जितने भी मुझे लगा कि यार ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सीन, दिस इज़ वेरी अमेजिंग, वी नीड टू वर्क ऑन दिस, वो इतने अच्छे से आलिया ने हर चीज़ को लिया. देन द सेकेंड नरेशन वॉज सो इंटरेस्टिंग, मैंने कहा यार thank god we are collaborating with this. Wow. Rather than you know we are, that's incredible. Agar first draft to you say second draft me aapke sare changes incorporate kar liye, not mere sare changes, no, but of course everybody's changes, but everybody's but discussion, because you know because jaise manoj dop hai. Haan. Uske apne suggestions the, because uska apna, so because you know agar end of the day film is a collaborative, of course has to be, everyone has to come and eventually jo ye film hai sabko hum bags le karna hai, hum log sab इतने अच्छे से प्रमोशन भी कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज आवर फिल्म, लाइक हम लोगों ने मिलकर बनाई है फिल्म, सो वी लाइक इट, आई लाइक दैट आइडिया ऑफ कोलैबोरेटिंग. यू नो यू ऑल हैव एक्चुअली पुट फॉर बोथ यू एंड रितेश द डेमोक्रेसी वाला जो वर्ड होता है ना फिल्म मेकिंग में, यू ऑल हैव पुट इट वेरी फार अक्रॉस देयर. मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरह आप प्रोड्यूस भी करते हो मराठी में, जिस तरह आप परफॉर्मेंसेज भी देते हो, जिस तरह उसके बाद पूरी यूनिट को बड़ा क्रेडिट जाता है. You think that's changed properly in cinema, या फिर कुछ लोग ही कुछ production houses ही कर रहे हैं? Because हम always ये discuss करते हैं, what is changing? Yeah. Audience तो पूरी change नहीं हुई है. Audience अब पसंद जो करने लग गई है वो clearly बोल रही है, जो नहीं पसंद करती है zero ना. Yeah. That has changed. Yeah. But do you think the other side has also changed? Actors' viewpoints, are they slowly changing or no? I hope they are. Yeah. I think they are. I think filmmaking has changed a lot. Like. When I started earlier and I was part of the South industry, people would look at it and be like, Bollywood dropouts go to the South. Yeah, you know? Unfortunately, yes. They do. They did. They especially did if you're a North Indian girl. They would keep saying going Bollywood. Going to South, they say, matlab ki reject ho rahe the. Today, though, it's a different world. You know what I'm saying? Yeah. And for me, I learned that I loved acting in the South. Because I did so much of good work. What today I see getting offers, getting different kinds of roles. I got it back there in the South, you know. Yeah. So today, like as a production house, like when we have our production house, the point of doing films is not that we need to make money or it's something that we enjoy doing and we want to share it with like-minded people, with make films with like-minded. So it's not like an everyday process, though we would like to do a lot more films. But because it's just Ritesh and me, it takes some time. Correct. You know, and it's such a family setup eventually. Like if you're saying. Like even when it was weird, it was that people didn't want to go home post that because they were all connected with it. So I think that kind of journey that you have in filmmaking is amazing because you're respecting everyone's craft. It's not my way or the highway. Correct. You know. और होना भी नहीं चाहिए ऐसे. Yeah. बट एक बात बताओ सर, पिक्चर तो चल जाती है, लोग पहले बोलते थे पिक्चर के लिए आते थे सेट पे माहौल, खाना, यू नो थोड़ा फैमिली इन्वायरमेंट जैसे ही बोल रहे हैं. आप दोनों को देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कोई भी स्वीट्स, कोई भी एक्सेस तेली खाना, कुछ भी नहीं ऐसा इंजॉय हो रहा था?
मैं तो बहुत खाता हूँ, मैं सब खाता हूँ। कहाँ जाता है? आप तो आधे गायब हो गए थे पहले से। नहीं नहीं, देखो ये देखो, काफी जब मैं कर रहा था फिल्म तो कब से लेकर अब तक मैं बहुत नहीं बिकॉज़ आई वाज आल्सो डूइंग सम अदर प्रोजेक्ट विद दैट, जिसके लिए मैंने वेट पुट ऑन किया था। सो वो ये दोनों प्रोजेक्ट हम मैंने एक साथ किए। सो वो जैसा है वैसा है, बट ये वीगन है, ये बिल्कुल डिफरेंट खाना खाती है। ये तो वीगन और बहुत सारी और चीजें खुद ही बनाती हैं। इस फूड स्टिल एन एंजॉयबल पार्ट ऑफ अ फिल्म मेकिंग प्रोसेस? यस यस, फॉर मी ऑन माय सेट एट लीस्ट, लाइक इट हैज टू बी, whether it's vegan or not, it has to be enjoyable. Like it has to be, like on my side, I'm extremely particular about that 1 hour break. I'm like, you can do what you want, but you have to give the unit that 1 hour break. Yes. We cannot take that away because that is the bonding time. Like that is what people make their... This I agree with totally. Yeah, yeah, absolutely. And khana bilkul perfect. A1 number ka khana hona chahiye to nahi hoga. And you know, please choose roles like this more often. Yeah, thank you. Because mujhe lagta hai ki bahut sare actors dar jate hain, shayad bahut zyada trial and error. इतने पंज हो रहे हैं एक्चुअली नाम के साथ में, बट इट्स ट्रू, ट्रायल नहीं करते लोग, बिकॉज दे हैव अ सेट ऑडियंस। सो थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू इन दिस डे एंड एज वेयर शी कैन रीच टू वेयर शी हैज रीच इन 10 सेकंड्स, इज मस्ट बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू 15 20 मिनट इंटरव्यू। कैसे कर रहे हो? वेरी डिफिकल्ट। शी इज यूज्ड टू 5 सेकंड्स ब्रो। सो टिल द नेक्स्ट टाइम टेक केयर, एंड ऑफ कोर्स दीस टू वंडरफुल परफॉर्मर्स आप देख पाएंगे। और ये हाँ, जैसे कि आप देख रहे हो ये ट्रायल पीरियड है इन्हीं का, लेकिन एक्चुअली तो बहुत कुछ है इसमें। एंड डायरेक्ट ऑन जियो प्लेटफॉर्म यू कैन गो चेक इट आउट। बाय बाय एंड टेक केयर। माय नेम इज सलील, सो गुड टू हैव यू ऑन द शो।